ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में राजनीतिक पार्टियों सहित कई लोगों ने याचिका दर्ज की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच सुनवाई कर रही है। आज बाद सुप्रीम कोर्ट में जारी ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन पर हो रही तीखी बहस और टिप्पणियों पर। जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% रिजर्वेशन दिया गया, जिसके बाद दायर याचिकाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 3 सवालों को चुना, जिस पर सुनवाई के लिए 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई गई, जिसमें चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस एस बी पादरीवाल, जस्टिस बेला त्रिवेदी शामिल हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के विरोध में एडवोकेट मोहन गोपाल, एडवोकेट रवि वर्मा कुमार, एडवोकेट पी विल्सन सहित अन्य वकील हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पहली सुनवाई 13 सितंबर 2022 को हुई। इस रिजर्वेशन का लाभ केवल समाज के अगड़े लोगों को मिलता है, असली हकदारों को इससे बाहर किया गया है। हर कैटेगरी में हॉरिजॉन्टल आरक्षण, यानी कि आरक्षण के अंदर आरक्षण होना चाहिए, जिससे गरीबों को लाभ मिले। क्या आप कहना चाहती हैं कि समाज के किसी भी तबके को इससे क्यों बाहर रखा जाए? पिछड़े, दलितों और आदिवासियों को आरक्षण से दूर रखा गया है, जो समानता के अधिकार का उल्लंघन है। जिसके बाद सुनवाई को अगले दिन के लिए लिस्ट किया गया, 14 सितंबर। इस दिन आर्थिक हालातों के आधार पर सुनवाई शुरू हुई।